ये देखिए फ्रेंड्स, अब हो रहा है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ कढ़ी। जो सुबह मैंने मक्खन बनाया था तो उसमें से जो मठा निकली थी मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं उसको कभी दही पकौड़ी में या कभी कढ़ी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अब ये बन रही है मेरी कढ़ी। पूरी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, बट अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत बहुत इस टाइम पे बिज़ी भी हूँ, परेशान भी हूँ थोड़ा सा, बस इसलिए। और ये देखो अल्फू, अल्फू मेरे पास है। अल्फू से हाय। हाय गाइस। अल्फू 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 बहु बहु कर दो, बहु करके दिखाओ। अल्फू बहु बहु, अल्फू मेरे से ज़िद कर रही है कि मम्मा मुझे ले लो ले लो ले लो, बट अभी मैं उसको नहीं ले सकती हूँ। अभी अल्फू के पापा थोड़ा बाहर गए हैं दूध और ब्रेड वगैरह लेने के लिए और मैं बना रही हूँ कढ़ी। ये अल्फू मुझे बहुत परेशान कर रही है। हाँ जी जी मेरी जान, अभी एक मिनट ले रही हूँ, एक सेकेंड में ले रही हूँ आपको। और आज सुबह से ही इतना हैट्रिक डिनर, आज मैं आपको अपने फुल डे का मील सुनाऊँगी तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। सुबह में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ले रही हूँ 1 कप चाय और बिस्किट, उसके बाद मैंने लिए हैं 1 कप चाय और कुरान खानी का जो नाश्ता था, बच्चों के लिए समोसे आए थे तो मैंने वो एक समोसा लिया। उसके बाद मैंने लिटरली कुछ नहीं खाया, कुछ बैंक का काम था, इनके ऑफिस का काम था वो हम लोग करने के लिए, कुछ सामान बच्चों के लिए घर के लिए चाहिए था वो लेने के लिए। हम लोग 3 बजे से लिटरली बाइक पे घूम रहे हैं और घर पे आकर लगे हैं 5 बजे, जब जाके मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई और फिर वो मैंने सब्ज़ी के साथ खाई। लिटरली कुछ नहीं खाया, फिर बाहर ही हस्बैंड ने जूस पिला दिया था क्योंकि ग्लूकोज की बहुत कमी हो रही थी मेरे अंदर। तो बस यही सब है, ये था आज का ब्लॉग। और देखिए अभी मैं आगे भी शेयर करूँगी, जब मैं इसके साथ पकौड़ियाँ बनाऊँगी तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये देखो ये गाइस, ये कढ़ी जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड को गाढ़ी कढ़ी ही पसंद है तो इसलिए इतनी गाढ़ी बहुत है। ये काफ़ी टाइम से पक रही है, मैं इसको 6 बजे चढ़ाया था और अभी 9 बज रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 4 घंटे से पक रही है ये कढ़ी। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, बट मेरे मोहल्ले पड़ोस में मैं कढ़ी अगर बनाऊँ और ना दूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर मैं ये तो फिर पेट दर्द करने वाली बात होगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कढ़ी पसंद बहुत है। तो मैं सबके यहाँ पर माशाल्लाह से देती हूँ, मैं बांट के खाने वालों में से हूँ, अकेले के लिए खाती नहीं हूँ, पसंद नहीं है और इनको भी पसंद नहीं है, कहते हैं कि नहीं चलो मिल बांट के खाना चाहिए। और पड़ोस का हक तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, झंझट वाली है तो इसलिए कोई इतनी जल्दी से बनाता नहीं है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह और जो भी है, और फिर मम्मी के घर भी जाना होता है तो इसलिए बस। तो मेरी कढ़ी को हो गया है काफ़ी टाइम, अब मैं इसको उतारने वाली हूँ। पहले मैं बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, फिर उसके बाद इसमें लास्ट में लगाएंगे तड़का। और इधर मेरे राइस बन रहे हैं, मैं इसमें लगा देती हूँ सीटी क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, 9 बज रहे हैं, बच्चों को भूख भी लग रही है। एक्चुअली मैंने मशीन भी लगा ली थी और फिर मैं बैंक चली गई थी, आपको बताया था किसी काम से, तो फिर वहाँ से आई 5 बजे। मुहर्रम था तो आज 9 तारीख थी तो मैंने शरबत नहीं बांट पाई थी इतने टाइम से, तो आज जाके मैंने थोड़ा सा लंगर करा शरबत का, बना के नीचे बैठ गई थी और जो भी आ रहा था वो सबको पिलाया वगैरह। तो ये सब काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गई थी, बट कोई ना नहीं, अंत बना तो सब बना जो मैं करना चाह रही थी, एटलीस्ट मैंने वो कर लिया जो जो मेरे आज करने के काम थे। मेरे घर में कुरान खानी हो गई, मैंने शरबत कर दिया और बच्चों का नाश्ता कर दिया और कपड़े भी धो लिए क्योंकि कल इंशाल्लाह मैं रोज़ा रखूँगी, दैट्स वाई। ओके, और इधर चढ़ा दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल ताकि मैं पकौड़ियाँ तल सकूँ। पकौड़ियाँ बन रही हैं, चावल यहाँ बन रहे हैं, तो बस सोचा थोड़ी सी और थोड़ी बातें कर दूँ क्योंकि अब मैं जैसे ही मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी और मैं कर दूँगी व्लॉग का अपने एंड। तो आज पूरा दिन मेरा बहुत बिजी रहा, और आप लोग बताना कि मैंने ठीक करा है या नहीं करा क्योंकि आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था, फर्स्ट टाइम था, तो बहुत नर्वस हो रही थी।
हाँ, जो मैंने सुबह मक्खन बनाया था ना, जो घी मैंने निकाला था वो मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी मैं आपको शो करती हूँ कि मेरा आज कितना घी निकला है उस मलाई जो मैं बना रही थी। वन सेकेंड, ये देखिए, ये है मेरा 1 किलो का घी का डब्बा और इसमें बस 50 ग्राम घी कम है 1 किलो से। तो ये आज हमारा घी तैयार हो चुका है। तो आज मैंने घी भी बना लिया, कढ़ी भी बना ली और कपड़े भी वॉश कर लिए, बैंक भी चली गई, फिर शर्बत भी बना लिया। तो समझिए कि आज पूरा दिन मेरा खड़े 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 गुजरा है, जिसमें कि मेरे को आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं और मेरा मील प्रॉपरली मैंने नहीं लिया है। मेरा लंच नहीं हुआ आज, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ आज, तो मैं टाइम टू टाइम कर रही हूँ और कल भी ना मैं काफ़ी मैसी हो जाता है। तो बस जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है मैं पकौड़ियाँ कर तोड़ लूँगी और फिर मैं आपको पकौड़ियाँ भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बेसन को घोल लिया था, इसके अंदर मैंने बाद में मिलाया है प्याज और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही है। तो इसमें मैंने प्याज मिलाया है, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया है और बस मैं छोटी छोटी सी ही बनाऊंगी, बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आसिफ जी को नहीं है इतनी पसंद पकौड़ियाँ, बट मेरे को और बेटी को बिना पकौड़ी के अच्छी नहीं लगती। तो मैं दोनों चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि आसिफ जी को जो चीज़ नहीं पसंद तो मैं उनके अकॉर्डिंग कर देती हूँ और बच्चे को भी खुश रखना है। तो देखिए, ये मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और अब मैं इनको चला रही हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको तलूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी कढ़ी में इनको डाल दूँगी। और ये यकीन जानिए बहुत सॉफ्ट होती हैं मेरी पकौड़ियाँ। अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सब बोलते हैं इसलिए बोल रही हूँ। तो बस ये उनको अच्छे से मैं तलने होने दूँगी। और कढ़ी जो है ना, वो मुझे और इनको बासी बहुत टेस्ट लगती है, तो मैं ज़्यादा और हम लोग ना उसको दोबारा से भी फ्राई करके खाते हैं। जैसे जितनी बार हम उसको खाएंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग टोटकों से फ्राई करके खाएंगे। टोट का इंतजाम, कभी मैं जीरा का बघार लगा के खाती हूँ, कभी मैं उसके अंदर अनियन का बघार लगा देती हूँ। तो मोस्टली हस्बैंड को अनियन का तड़का नहीं पसंद आता, उनको जीरे का पसंद आता है और मुझको जो पसंद आता है वो अनियन का पसंद आता है। तो बस कभी हम उनकी पसंद, कभी हम अपनी पसंद, ऐसे ही करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है, फर्स्ट वाला। अभी सब खाली इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करिए, तो मैं पहले फिलहाल प्याज और हींग का तड़का लगा रही हूँ, उसके बाद में फिर जीरे का और साबुत लाल मिर्च और ग्रीन चिली इनका तड़का लगाया, मुझे बहुत पसंद है ये सब तड़का लगाना, मतलब अच्छा लगता है। अब मुझे पता ही है सब कुछ, समझदार वो सब चले। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही हूँ। अभी बस टेम्परेली बेसिस पे काम चल रहा है जो ज़रूरी है, और अभी तो मेरे को
खीर के लिए भी दूध बॉयल करना है। हस्बैंड ने 5 किलो दूध उनको ला के दिया है, कल मुझे खीर तैयार करनी है, बट मैं दूध अभी बॉयल करके रखूँगी क्योंकि ईद वाला इन्होंने मुझे 7 किलो दूध ला के दिया था बकरा ईद पे, तो रात में मुझे मार्केट जाना पड़ गया। मेरा आज मेरी सिस्टर है उसके साथ, तो मैं 10 बजे आई थी मार्केट से, तब तक वो दूध बाहर था और जब मैंने सुबह बॉयल करा खीर बनाने के लिए मैंने उसमें सब फ्लावर वगैरह डाल दिए, लिटरली मेरे 7 किलो दूध की बर्बादी हो गई, सारा का सारा दूध खराब हो गया। और मैं दूध में बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ खीर बनाने, कल मैं आपको खीर की रेसिपी शेयर करूँगी फुल। तो बस मेरे साथ बनी रहिएगा, ये तड़का जा रहा है नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीचे है मेरा किचन है बहुत छोटा, ये पूरी मेरी हो चुकी है तैयार, उस पर जाएगा पहले ये प्याज का चौका, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये गया इसमें प्याज, तो ये देखिए प्याज वाली कड़ी। ठीक है, अभी रुकना, थोड़ा सा सस्पेंस और है यार, अभी मैंने आपको बता चुकी, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो यार बड़ी मुश्किल है, बार बार अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना वो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, मैंने उनको बोला था आप फ़ोन पकड़ लेना ज़रा मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आवाज़ लगाना। जैसे ही मैंने उनको आवाज़ लगाई तो उनकी टमाटो की आवाज़ मेरे कान में आई, तो इट मीन्स वो सो चुके हैं, अभी मैं खाने के लिए उनको आऊँगी। और ये शो रहा है, हमने कर दिया गैस ऑन, ये है हमारी दूसरे तड़के की तैयारी। तो बस अभी मैं दूध बॉयल आपको लोगों को बता चुकी हूँ, 5 किलो दूध आया है फुल क्रीम, वो अलग बॉयल करूँगी, फिर घर के लिए आया है, बच्चों के लिए और हम सब के लिए, तो मैं वो अलग बॉयल करूँगी, वो भी बॉयल करके रख दूँगी ताकि मॉर्निंग में दूध ख़राब ना हो, इस बार कोई इशू ना हो, क्योंकि लिटरली लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी कड़ी खीर फटी थी और बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। और इतने मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे हमारे यहाँ पर कोई दुकानें नहीं खुली थी, मदर डेरी भी नहीं खुली थी, जो कि 4 बजे कुछ हो सकता है। पहले तो मैंने वेट करा हस्बैंड के उठने का, क्योंकि ईद वाले दिन मैं सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले नमाज़ फजर अदा करती हूँ, फिर हस्बैंड को उठाती हूँ, वो मस्जिद जाके नमाज़ फजर अदा करते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ था कि उन्होंने घर में ही फजर की नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि वो बहुत लेट उठे थे सुबह, तो बस यही हुआ था। और बहुत मन ख़राब हुआ था मेरा, हस्बैंड का नहीं बेचारे, वो तो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं मिली, तो फिर वो गए भी, बोला भी शॉप वाले को, मदर डेयरी वाले को, तो उसने कहा सॉरी सर आप कंप्लेंट डाल दो, हम अब कुछ नहीं कर सकते। फिर ये 2 किलो, फिर ये 6 किलो दूध और लेकर आएंगे, देखो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, चलकर तड़क 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 तड़क। तो बस ये तैयार कर, वैसे हो गया तैयार नीचे जाने के लिए, कैसे डालूं यार, और ये 1 सेकेंड रुक लाया, हमारी कड़ी तैयार। अभी थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अभी मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं आपको ना रूम में ले जाके दिखाती हूँ अपनी कड़ी, ठीक है, तो चलना मेरे साथ। तो ये देखिए गाइस, ये तैयार हुआ है खाना, और ये मैंने अभी इनकी प्लेट लगाई है क्योंकि अभी मैं पहले कड़ी बांटूँगी उसके बाद फिर खाऊँगी। तो ये है हमारे कड़ी चावल, आप खा लीजिए,